और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज कर ली है। भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 482 रन का टारगेट दिया था, जिसको इंग्लैंड की टीम हासिल नहीं कर पाई और पहला टेस्ट मैच भारत हारा था और अब दूसरा जीत चुका है। अब सीरीज में एक एक की बराबरी हो चुकी है। सीरीज का तीसरा और चौथा टेस्ट मैच अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जा रहा है और चेन्नई के दूसरे टेस्ट की बात करें तो टीम इंडिया के लिए पहली पारी में रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाते हुए 161 रनों की बड़ी पारी खेली थी और दूसरी पारी में आर अश्विन ने सैकड़ा लगाते हुए 106 रन बनाए। मैच की दोनों ही पारियों में इंग्लैंड एक बार फिर 200 रन का आंकड़ा नहीं छू पाया। पहली पारी में इंग्लैंड की टीम सिर्फ 134 रन पर ढेर हो गई तो वहीं दूसरी पारी में 150 रन पर सिमटी। भारतीय स्पिनर्स का बोलबाला इस पूरे मैच के दौरान हमने देखा है। अश्विन ने पहली पारी में 5 विकेट अपने नाम किए, दूसरी पारी में अश्विन और अक्षर दोनों ने मिलकर इंग्लिश टीम की कमर तोड़ दी और जो रूट पहले टेस्ट मैच में कहीं ना कहीं स्वीप शॉट खेलते हुए नजर आ रहे थे, भारत को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, तो अब जब दूसरे मैच की बात करें तो भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें उन्हीं के जाल में फंसा दिया और भारत ने ये शानदार जीत दर्ज कर दी है। 4 टेस्ट मैच की सीरीज में 1-1 से बराबरी हो गई, अगले 2 मैच अभी भी बचे हुए हैं और पहली पारी में रोहित, दूसरी पारी में अश्विन का शतक रहा। टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में नंबर 2 पर पहुंच चुका है भारत। ये बड़ी खबर, भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार जीत हासिल कर ली है और इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज है, दूसरे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 317 रन से हरा दिया है। और राजकुमार जी, बहुत बड़ी जीत, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि भारत ने शानदार जीत दर्ज कर ली और इस पूरे मैं कहूं मैच के दौरान स्पिनर्स का बोलबाला रहा है।